यदि आपके पास मैग्नेटिक एटीएम कार्ड है तो ये खबर आपके लिए है। 31 दिसंबर की रात आपका मैग्नेटिक कार्ड बेकार हो जाएगा। 1 जनवरी को आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, यदि आपको एटीएम कार्ड की सुविधा जारी रखनी है तो जल्द अपना चिप वाला कार्ड बैंक से लें। साइबर क्राइम से निपटने के लिए बैंक लगातार अपने ग्राहकों को सुरक्षित कर रहा है। 1 जनवरी 2019 से बैंक अपने उपभोक्ताओं के एटीएम और अधिक सुरक्षित कर देगा, जिससे क्लोनिंग का खतरा भी ना के बराबर होगा। लेकिन इसके लिए उपभोक्ताओं को जागरूक होने की जरूरत है। अभी बैंक अपने उपभोक्ताओं को संदेश भेजकर नए कार्ड के लिए जागरूक कर रहे हैं। चिप वाले कार्ड ही 1 जनवरी से एटीएम में उपयोग किए जा सकेंगे। मैग्नेटिक कार्ड बंद हो जाएंगे। अपने उपभोक्ताओं तक मुफ्त में कार्ड की सुविधा पहुँचाने के लिए बैंक ने एटीएम कार्ड भेजना शुरू कर दिया है। साइबर क्रिमिनल द्वारा एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर ली जाती थी और ग्राहकों के खाते से पैसे निकाल लिए जाते थे, लेकिन अब एटीएम कार्ड की सिक्योरिटी को और अधिक पुख्ता किया गया है। चिप वाले कार्ड के जरिए क्लोनिंग की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी, ऐसा साइबर एक्सपर्ट मानते हैं। लीड बैंक मैनेजर पंकज सक्सेना का कहना है कि अभी बैंकों द्वारा निःशुल्क चिप एटीएम कार्ड उपभोक्ताओं तक पहुँचाए जा रहे हैं। उपभोक्ता अपना पिन जनरेट कर इसका उपयोग कर सकेंगे। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए TNN News के साथ।